हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग बीट रूट के पल्प से, जी हाँ, जब भी आप जूस बनाते हैं तो उसका पल्प बच जाता है बीट रूट का, आप उससे बहुत ही अच्छा लिप स्क्रब यूज़ कर सकते हैं और अपने लिप्स को पिंक कर सकते हैं नेचुरली। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा उसका पल्प लेना है, जो बचा हुआ हमारे पास जो छिलका होता है आप कह सकते हैं मिक्सी में से, वो लेना है आपको। और उसमें आपको थोड़ा सा डालना है चीनी और उसके साथ ही आपको ऐड करना है 1 टीस्पून ऑफ हनी, बहुत ही कम आपको लेना है ये। और लिप्स के अमाउंट के हिसाब से तो इतना काफ़ी है। और आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि आप बीट रूट का आइस क्यूब भी बना सकते हैं आपकी स्किन रेमेडीज़ के लिए। आप को वो वीडियो भी अगर देखनी हो तो मैं नीचे लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर चेकआउट करें। और ये हमारा लिप स्क्रब बहुत ही अच्छा तैयार हो चुका है, तो आप देख सकते हो कि नाउ इट्स रेडी टू यूज़। तो अब मैं आपको इसे यूज़ करके दिखाऊंगी। सीरियसली, आप इसे अगर रेगुलर यूज़ करें नाइट में तो आपके लिप्स बहुत ही अच्छे नेचुरली पिंक होने लगेंगे। अगर आप डार्क लिप्स से परेशान हैं तो आपको इसको 2 मिनट के लिए डेली रात को सोने से पहले यूज़ करना है और स्क्रब करना है अपने लिप्स पे। एक्सफोलिएट करेगा आपके लिप्स को और डेड स्किन निकालेगा और नेचुरली जो बीट रूट का कलर होता है वो ऑब्जर्व करेगा और मॉइस्चराइज करेगा आपके लिप्स को। और सबसे ज़्यादा तो ये है कि ये नेचुरल है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आप होम रेमेडीज़ ज़रूर ट्राई करें घर पर। स्क्रब करने के बाद आप इसे अच्छे से साफ़ कर लें किसी वेट टॉवल से या फिर आप लिप्स को वॉश कर लें। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र यानी कि लिप बाम, जो आप लिप्स को मॉइस्चराइज रखने के लिए यूज़ करते हैं, आप वो अप्लाई कर लें। और उसके बाद आपका आराम से आप अपने नाइट रूटीन में इसको ज़रूर फॉलो करें। कम से कम 1 वीक तो आप इसको फॉलो ज़रूर करें, आपको अच्छा रिज़ल्ट अगर चाहिए तो। उसके बाद आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ आपको ऐसी रेमेडीज़ के लिए उसकी तो ज़रूरत पड़ेगी ही, तो आप उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आई होप वीडियोज़ आपको पसंद आती होंगी। तो यहाँ पर आराम से आप लिप बाम को यूज़ करें और नाउ योर नाइट रूटीन इज़ कम्प्लीट, बिकॉज बिना लिप बाम तो नाइट रूटीन बिल्कुल भी स्किन केयर रूटीन कम्प्लीट नहीं होता है। तो स्किन केयर रूटीन के लिए तो लिप्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और नेचुरली ग्लोइंग लिप्स किसे नहीं चाहिए। तो आई होप, और मैंने आप लोगों के साथ बोला था कि आप इस पल्प को कौन रोज़ रोज़ बनाए, ये झंझट लगेगा कि कौन बार बार जूस निकाले और उसके बाद इसके पल्प को वापस से अगेन यूज़ करने के लिए इसको वो करे। स्टोर करने के लिए आप क्या करें, एक ही बार आपको लेना है और इसको एक कटोरी में आपको इस तरीके से, कांच की कटोरी आप कोशिश करें, ग्लास कटोरी आप लेने की, उसके अंदर आप ऐसे सिल्वर फॉइल से इसको पैक करके फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं आराम से 1 वीक के लिए। आप इसमें से थोड़ा सा अमाउंट निकालिए, अपना लिप स्क्रब बनाइए और यूज़ करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बार बार कुछ भी बनाने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो आप इस तरीके से इसे स्टोर कर सकते हैं।